नमस्कार, आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं स्वाति आपके साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। सांसद बालू धानोरकर ने लोकसभा में उठाया चंद्रपुर शहर के बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा। लोकसभा में बहस के दौरान उन्होंने कहा कि चंद्रपुर शहर देश का दूसरे क्रमांक का सबसे प्रदूषित शहर है, जिसके चलते तड़ाली में स्टील प्लांट के विस्तार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही 37 वर्ष पुराने महाऔष्णिक बिजली केंद्र के यूनिट 3 और 4 की 10 से 12 वर्षों तक की सीमा बढ़ा दी गई है और इन केंद्रों से हो रही बिजली उत्पादन से प्रदूषण में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा 2030 तक की सीमा क्यों बढ़ा दी गई, ऐसा सवाल भी उन्होंने पूछा। सावली के बहाड़ बूज में एक किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में जा रहा था, तभी अचानक सामने उन्हें बाघ दिखाई दिया। सौभाग्य से बाघ ने अपना रास्ता बदल दिया, जिसके चलते पति सुधाकर जेंगठे और पत्नी की जान बाल बाल बची। शाम 7 बजे के बाद लोगों ने यहां घरों से निकलना बंद कर दिया है, तो दूसरी ओर वन विभाग ने गश्त भी बढ़ा दी है। सार्वजनिक जगह पर या रास्ते के किनारे कचरा फेंकते हो तो हो जाओ सावधान। मनपा की टीम द्वारा रखी जा रही है इन उपद्रवी तत्वों पर पैनी नजर। अगर कूड़ा फेंकते हुए नजर आए तो जुर्माने के साथ हो सकती है कार्रवाई। हाल ही में जेल के पीछे खुली जगह पर बासा खाना फेंकने वाले संबंधित कैटरर्स को 10,000 रुपयों का जुर्माना ठोका गया है, तो वहीं रास्ते पर निर्माण सामग्री रखने वाले एक शख्स से 2,000 रुपयों का जुर्माना वसूला गया। शहर में खुले में कचरा फेंकना मना होने पर लोग शहर के बाहर सुनसान जगहों पर रास्ते के किनारे फेंक रहे हैं कूड़ा। बंगाली कैंप से बाबूपेट मार्ग पर तथा पठानपुरा गेट से आरवट मार्ग पर देखने मिल रहा है उपद्रवी तत्वों द्वारा फेंका गया यह कूड़ा। मनपा ने कहा है कि कचरा फेंकते हुए सीसीटीवी माध्यम से लिए जाएंगे फोटोज, जिसे मीडिया में प्रकाशित कर देगी मनपा, और उनके मानहानि या नुकसान के लिए मनपा जिम्मेदार नहीं होगी अथवा उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। गढ़चिरौली में विरासत में मिले हत्यारों को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। जिले के अति दुर्गम क्षेत्र के नागरिकों ने कुल 68 लोडेड बंदूकें और 12 बैरल पुलिस को सौंपी है। नागपुर में शुरू शीतकालीन सत्र के लिए अपने 2 महीने के बच्चे को लेकर विधान भवन में पहुंची विधायिका सरोज अहिरे। नासिक के देवलाली विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक है सरोज अहिरे। यशोधन विहार जो कि एक ऐसी विश्वसनीय संस्था है जो प्रधानमंत्री आवास योजना और म्हाड़ा के मार्गदर्शन में आपके लिए नांदा में भव्य टाउनशिप का निर्माण कर रही है। 1050 फ्लैट्स में एक फ्लैट का बिल्टअप एरिया है 455 स्क्वायर फीट का। एक फ्लैट की कीमत है 8,36,000, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख की सब्सिडी होगी। इसी के साथ बांधकाम क्षेत्र में काम करने वाले रजिस्टर कामगारों को दी जाएगी 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी। तो हुई ना मुनाफे वाली बात। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना फ्लैट बुक कीजिए। राजूरा के आरवी गांव में साईनाथ बाबूराव महाकुलकर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। लगातार खेतों में हो रहा नुकसान और कर्ज के साथ बेटी के विवाह की चिंता से त्रस्त होकर यह कदम उठाने की गांव में की जा रही है चर्चा। दूसरी ओर चिमूर के नेरी में भी एक 30 वर्षीय युवक ने जहर पीकर की खुदकुशी। अमोल दिलीप वानखेड़े उम्र 30 ऐसा इस युवक का नाम है, जिसने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।